If beta RL and R are the AC current gain, load resistance and the input resistance of a transistor respectively in CE configuration, the voltage and the power gain respectively are. इसमें आपको उसने क्या दिया है, एक बोला है बीटा है, एक आर एल जो कि लोड रेजिस्टेंस है, एक छोटा आर जो कि इनपुट रेजिस्टेंस है। ये चीज़ आपको उसने दी हुई है और बोला है कि वोल्टेज गेन और पावर गेन क्या होंगे। वैसे एक डायरेक्टली फार्मूला है, वोल्टेज गेन का जो फार्मूला होता है वो होता है बीटा इंटू आर एल आर इनपुट, यह है पहली चीज़। और पावर गेन क्या होता है, वो बीटा स्क्वायर आर एल और आर आई होते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन में वो ये हुआ, पर लेकिन अगर हम वैसे निकाल के देखें इसको तो वोल्टेज गेन वी इक्वल आई इंटू आर, यहाँ आउटपुट देर इनपुट, आउटपुट करंट कौन सा होता है, आई सी आउटपुट करंट होता है और बेस वाला इनपुट करंट होता है। ऐसे इसका ये लोड रेजिस्टेंस हो गया आउटपुट और ये आई हो गया इनपुट, आई सी डिवाइडेड बाई आई बी, ये होता है बीटा। बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई सी डिवाइडेड बाई आई बी। तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि टोटल वी वोल्टेज गेन है, तो ये हुआ बीटा इंटू आर एल आर आई। जैसे ये निकला ऐसे हम निकालेंगे पावर का, पी वी इंटू आई, यहाँ पावर गेन, वी की वैल्यू को अगर हम खोलें तो आई इंटू आर हो गया, एक आई ऑलरेडी था, यह है आउटपुट वाले, नीचे आएंगे इनपुट वाले, ये क्या होगा आई सी आई बी का स्क्वायर, क्योंकि ये आउटपुट है इसलिए सी है, ये इनपुट है इसलिए यहाँ पे बी है। ये होता है हमारा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, पावर गेन ऐसे निकल गया।